हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा सो दिस इज़ द लेक्चर सिक्स ऑन योर एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज ठीक है पांच लेक्चर्स यानी कि फिफ्टी क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं इस लेक्चर के बाद आपके सिक्सटी क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे करंट अफेयर्स और डेवलपमेंट इशूज़ के ऊपर और प्रोसेस वही रहेगा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा क्वेश्चन आपने देखना है उसको खुद से समझ के आंसर करने की कोशिश करनी है एंड देन फिर आपने सल्यूशन उसका देखना है चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज सर्विसेज एनकेब्स प्रोजेक्ट पर जिसको कहा जाता है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपको गिवन है तीन ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर गिवन है आपको यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिक डिविजन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो तीन ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको यहाँ पर गिवन है ऑप्शन हैं ए वन एंड टू ओनली बी टू एंड थ्री ओनली सी थ्री ओनली एंड डी इज वन टू एंड थ्री तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है ये न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे और राइट तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में पार्ट जो है वो लेती हैं ओके okay? तो सबसे पहले जो आपका नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज एंड केव्स इंडिया फोरम 2021 अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इसको ऑर्गेनाइज़ किया था आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने वर्चुअली इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था और राइट जो आपका एम ओ एस पी आई है दैट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स उसने ऑलरेडी वो ले चुका है अंडर दिस एन केवस प्रोजेक्ट एंड अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट का एजेंडा क्या है ताकि जो इको सिस्टम अकाउंटिंग है उसको एनहेंस किया जा सके इंडिया में इको सिस्टम अकाउंटिंग में बेसिकली uh, क्या होता है इको सिस्टम अकाउंटिंग में यू टेक इन टू पिक्चर कि किस तरह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है उसकी ठीक है इनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है सोशल कॉस्ट क्या है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कंसिडर करते हैं ये जो एनकेब्स प्रोजेक्ट है इसको फंड कौन कर रहा है इसको फंड कर रहा है यूरोपियन यूनियन वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये भी एक स्टेटमेंट बना करके आपके पेपर में डाला जा सकता था या क्वेश्चन में डाला जा सकता था कि एनकेब्स प्रोजेक्ट को फंड कौन कर रहा है तो यूरोपियन यूनियन उसको फंड कर रहा है और इम्प्लीमेंट कौन कौन कर रहा है यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिक्स डिवीजन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और सेक्रेटेरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसी की वजह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट था जिसमें ये तीनों अवेलेबल थे और राइट इंडिया वन ऑफ द फाइव कंट्रीज है जो इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रही है तो आपको बाकी की चार कंट्रीज़ के नाम भी पता होने चाहिए कौन से कौन से हैं तो वो हैं आपके ब्राज़ील चाइना साउथ अफ्रीका एंड योर मेक्सिको एंड इंडिया इज द फिफ्थ वन तो ये पांचों भी आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि पांच नेशंस बताइए जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एनकेप्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है जी एंड ये एनकेप्स प्रोजेक्ट इंडिया में कौन इंप्लीमेंट कर रहा है एमओ एसपी आई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड योर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है ओके okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन है इनमें से कौन से देश में हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑप्शन है चार मॉरिशियस नेपाल फीजी ननोवीब बहुत क्लोज ऑप्शन हैं बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन हैं ठीक है जनवरी दस को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है उसी समय पे ये जो है न्यूज में था इसीलिए यहाँ पर आपसे सवाल भी यहाँ पर पूछा गया है ठीक है तो आंसर यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव हिंदी किसी भी देश में ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है ठीक है तो इंडिया में तो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके अलावा हिंदी बहुत सारी कंट्रीज़ में बोली जाती है जैसे नेपाल गोयाना ट्विनेडा टोबागो सूनिम फिजी मॉरिशस क्योंकि इंडियंस बहुत सारे हैं इन कंट्रीज़ में लेकिन इनमें से किसी भी कंट्री में हिंदी अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है तो इसीलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी इस केस में आपने नहीं होना है ठीक है चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे वंस अगेन अ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द एन केव प्रोजेक्ट ओनली क्योंकि वो न्यूज़ में था वो 2021 का फोरम ऑर्गेनाइज किया गया था जो उसकी वजह से सो द सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एस डबल ई ए फ्रेमवर्क सी फ्रेमवर्क भी इसको कहा जाता है सो दिस इज़ एन एक्सेप्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इनमें से कौन से एरिया में ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है पांच एरियाज गिवन है लैंड अकाउंट एनर्जी अकाउंट मटीरियल फ्लो अकाउंट एयर एमिशन अकाउंट एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एंड फिशरीज अकाउंट आपको बताना है इनमें से कौन सा एरिया ये जो आपका सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है वो कवर करता है ऑप्शन हैं आपके ऑल एक्सेप्ट फाइव यानी कि वन टू थ्री फोर ऑल एक्सेप्ट वन एंड टू यानी कि थ्री फोर फाइव ऑल एक्सेप्ट थ्री एंड फोर यानी कि वन टू एंड फाइव लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव यानी कि सारे के सारे जो हैं इसके अंडर कवर किए जाते हैं बताइए खुद से सोचिए और वीडियो को पॉज कीजिएगा ज़रूर आंसर करने की कोशिश कीजिएगा उसके बाद आगे देखिएगा तो आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव ये सारे के सारे एरियाज है जिनके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन जो है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है तो सी फ्रेमवर्क यानी कि सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग ये एक एक्सेप्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग के लिए ठीक है प्रॉपर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि किस तरह से स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट करना है किस तरह से स्टैटिस्टिक्स को ऑर्गेनाइज करना है ठीक है इकोनॉमी के रिलेशन uh, में एंड इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन को ये इंटरनेशनली सेट स्टैंडर्ड्स पे डेफिनेशन के ऊपर ला ले करके जो है पेश करता है जिसकी वजह से कंपेरिजन जो है वो ईजी हो जाता है इंटरनेशनली कंट्रीज़ के बीच में ठीक है और इसको रिलीज किसके ऑस्पेसिस के अंडर किया जाता है अंडर द ऑस्पेसिज ऑफ यूनाइटेड नेशनस यूरोपियन कमीशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपका ओ ई सी डी यहाँ पर आ जाता है आई एम एफ आ जाता है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप आ जाता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि, कि किस के uh, अंडर जो है ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं या अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो है वो रिलीज किया जाता है इंडिया भी एस के अंडर अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं अपनी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग है या जो जन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग है उसको रिलीज करता है ठीक है तो ये जो फ्रेमवर्क है ये किन एरियाज़ को कवर करता है लैंड अकाउंट्स वाटर अकाउंट्स इकोसिस्टम अकाउंट्स मटेरियल फ़्लो अकाउंट्स एयर एमिशन अकाउंट्स एनर्जी एनवायरमेंटल एक्टिविटी अकाउंट्स एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एंड फिशरीज अकाउंट ये सबको यहाँ पर कवर करता है तो सात एरियाज़ हैं, सात फ़ील्ड्स हैं जहां पर ये फ्रेमवर्क कवर करता है चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बड़ा सा क्वेश्चन है देखने में पर बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर ठीक है जी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट कंसीडर करना है और आपको फिर बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म अंडर डब्ल्यू टीओ मॉनिटरिंग फंक्शन टीआरपीएम टीपीआरएम ठीक है उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द रिव्यू फैसिलिटेट्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम बाय एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी मल्टी यानी कि देशों के बीच में ट्रेड जो है उसको एनहेंस करता है बाय एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी आती है कंट्रीज़ uh, की ट्रेड पॉलिसीज में ऑल डब्ल्यू टी ओ मेम्बर्स आर सब्जेक्ट टू रिव्यू अंडर द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म सारी के सारी कंट्रीज़ जो हैं वो एलिजिबल होती हैं रिव्यू उनका कराना पड़ेगा आपको टी आर पी एम के अंडर टी पी आर एम के अंडर ऑप्शन आपके ये रहे टू ओनली वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली या फिर वन टू एंड थ्री आंसर इस केस में हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं न्यूज में क्यों था क्योंकि सेकेंड और फाइनल सेशन जो है इंडिया का सेवेंथ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू जो है वो चल रहा था डब्ल्यू जेनेवा में तो उसका सेकंड और फाइनल सेशन अभी रिसेंटली खत्म हुआ था जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था तो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू क्या होता है इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है डब्ल्यू के मॉनिटरिंग फंक्शन के अंडर पहला स्टेटमेंट इसी वजह से करेक्ट है क्योंकि पहले स्टेटमेंट में लिखा था कि ये डब्ल्यू के मॉनिटरिंग फंक्शन के अंडर आता है तो बिल्कुल सही है दूसरा ये जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू हमने शुरू किया था ये यूरोग में एक डब्ल्यू का राउंड हुआ था डब्ल्यू की मीटिंग हुई थी वहाँ पर ये डिसाइड हुआ था कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मीटिंग्स जो हैं वो कंडक्ट की जाएंगी ठीक है जो ऑब्जेक्टिव है टीपीआरएम का वो भी प्रोवाइडेड है माराकेश एग्रीमेंट में प्रोवाइडेड है कि क्यों ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या लिखा हुआ है कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ताकि जो मल्टीलिटरल ट्रेडिंग सिस्टम है जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें स्मूदनेस लाने के लिए और मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ में ताकि ट्रांसपेरेंसी आए इसी वजह से ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म जो है वो शुरू किया गया जितने भी डब्ल्यू के मेंबर्स हैं सभी के सब इसमें रिव्यू के लिए आते हैं ठीक है कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसको रिव्यू में नहीं डाला जाएगा हालांकि पीरियड ऑफ रिव्यू जो है वो कंट्रीज का डिफरेंट होता है डेवलप्ड कंट्रीज का जो रिव्यू पीरियड है वो कम होता है डेवलपिंग कंट्रीज का रिव्यू पीरियड जो है वो ज्यादा होता है लेकिन उतनी ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन कमिटी हेडेड बाय जी किशन रेड्डी इज फॉर्मड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क जी किशन रेड्डी कमेटी का क्या काम है ये रहे आपके चार ऑप्शन आसान से ऑप्शन हैं ठीक है वीडियो को पॉज कीजिए इनको पढ़िए देखिए ध्यान से और फिर आंसर करने की कोशिश कीजिएगा फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा ठीक है तो आंसर यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा आपका ऑप्शन बी प्रोटेक्टिंग द लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख इसी परपस के लिए आपकी जो है जी किशन रेड्डी कमेटी जो है बनाई गई है ये आपने याद रखना है अपने दिमाग में अच्छे से इसको बिठा करके रखना है ठीक है आंसर बी होगा यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको कुछ स्टेटमेंट्स है है आपको वो कंसीडर करनी एंड right. बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है पहला स्टेटमेंट द एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स हैव बीन नोटिफाइड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशियंसी स्टैंडर्ड्स द फ्यूल कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स ऑफ टू ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये 2015 के हैं ये सेकंड स्टेटमेंट कहना चाहता है और इसका एम है कि ये फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाए व्हीकल रोड पे बाय 35 परसेंट बाय 2030 फ्यूल एफिशिएंसी को यानी कि अगर आपकी गाड़ी जो है अभी एक किलोमीटर के लिए एक लीटर पेट्रोल यूज़ कर रही है तो वो ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए उसे एक लीटर पेट्रोल को यूज़ करे यानी कि दो किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल चले या वन किलोमीटर्स एक लीटर में चले ये यहाँ पर इसका एम जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं स्टेटमेंट में थर्ड स्टेटमेंट कहता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज द नोडल एजेंसी ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग एनुअल फ्यूल कंजम्पशन बाय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर को नॉडल एजेंसी बनाया गया है मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए एनुअल फ्यूल कंजम्पशन जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं ऑप्शन ये रहे वन ओनली वन एंड टू टू एंड थ्री वन टू एंड थ्री ठीक है जी तो आंसर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है तो आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता ऑप्शन सी नहीं हो सकता अब आपको पता होना चाहिए नेसेसरीली कि थर्ड ऑप्शन सही है या नहीं एलिमिनेशन से नहीं होगा ये क्वेश्चन तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वन एंड टू ओनली ठीक है इसको देख लेते हैं सबसे पहले तो न्यूज़ में क्यों था न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री जो है उन्होंने अभी सरकार को एक रिक्वेस्ट किया है कि जो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी रेगुलेशंस हैं या जिसको कैफ़े टू भी कहा जाता है और बी एस सिक्स स्टेज टू नॉर्म्स जो हैं उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अप्रैल 2024 तक डिले कर दी जाए इसके लिए उन्होंने रीज़न क्या दिया है कि जो लॉकडाउन मेजर्स थे पिछले साल देश के अंदर चल रहे उसकी वजह से काफ़ी प्रोसेस स्लो हो गया है तो जो ऑटो इंडस्ट्री है वो इतनी जल्दी इन रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई नहीं कर पाएगी तो इन रेगुलेशंस को डिले कर दिया जाए ठीक है अब ये कैफे स्टैंडर्ड्स पहली बार कब नोटिफाई किए गए थे 2017 में नोटिफाई किए थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अगर अब आप क्वेश्चन के ऊपर पहले जाएं सीधा जाएं तो पहला स्टेटमेंट यही था कि इनको नोटिफाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किया था देखो कंफ्यूज नहीं होना ये जो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स हैं ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर लेकर के आया था लेकिन सेकंड थर्ड स्टेटमेंट में हमने कह दिया कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग नहीं करेगी बिल्कुल सही ये काम हमने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर को नहीं दिया ठीक है तो कैफे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर लेकर के आया था लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग का काम है वो किसका काम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का जो नॉडल एजेंसी है जो मॉनिटरिंग करेगी जो रिपोर्टिंग करेगी जो भी एनुअल फ्यूल कंजम्पशन है बाय द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है और ये जो आपके कैफे रेगुलेशंस हैं, दे आर इन अकॉर्डेंस विद द फ्यूल कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स ऑफ 2015, जिनका एम है टू इंक्रीज फ्यूल एफिशियल रोड्स बाई थर्टी फाइव परसेंट ताकि जो रोड्स हैं जो व्हीकल्स हैं उनकी एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी 35 परसेंट बढ़ाई बढ़ाई जा सके जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पहले एक लीटर में एक किलोमीटर चल रहा था तो हम चाहते हैं कि एक लीटर में वो वन किलोमीटर चले ठीक है तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इनके ऊपर सवाल जो है वो पूछा जा सकता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सितम्मा सागर समटाइम सीन इन यून रिजेंटली फैक्चुअल क्वेश्चन है इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कौन सी नदी के ऊपर सितम्मा सागर जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है हुगली कावेरी घग्गर या फिर गोदावरी फैक्चुअल क्वेश्चन है इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट छोटी सी न्यूज थी ठीक है न्यूज को तो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे ठीक है तेलंगाना गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट बना रही है तो तेलंगाना गवर्नमेंट के जो सी एम है उन्होंने कुछ अभी डिस्कशन इसके ऊपर किए थे कि कैसे इस प्रोजेक्ट को स्पीडअप किया जा सके ठीक है तो आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन डी रिवर गोदावरी ओके चलिए एट्थ क्वेश्चन देखेंगे वेनेडियम ये एक जो है आपका एलिमेंट है ठीक है न्यूज में था रिसेंटली और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कहता है सुपीरियर कंडक्टर ऑफ हीट है एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी है वेनेडियम रिजर्व फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल यहाँ पर रिजर्व मिलते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है न्यूज में था ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपका ठीक है साइंस के करंट अफेयर्स के लिहाज से ठीक है तो आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वन ओनली ऑप्शन बी गलत क्यों है क्योंकि अगर यहां पर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश होता और अगर मैं यहां पर वेस्ट बंगाल को काट देता तो आंसर यहां पर बोथ हो जाता ठीक है लेकिन यहां पर वेस्ट बंगाल भी गिवन है इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि अभी हमें इसके जो रिजर्व का जो ट्रेस मिला है वो सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में मिला ठीक है थीके? इसी वजह से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो वेनेडियम केमिकल एलिमेंट है सिंबल वी है काफी स्केर्यर्स एलिमेंट इसको कहा जाता है हार्ड होता है सिल्वरी ग्रे कलर का होता है डक्टाइल है मेलेबल है, है ये सारी तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती ही हैं आप जनरल साइंस की भी तैयारी कर रहे हैं आपने पढ़ा होगा ठीक है ये ट्रांजिशन मेटल है पीरियोडिक टेबल में तो ट्रांजिशन मेटल कौन होते हैं वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो 3 टू 12 ऑफ पीरियोडिक टेबल में आते हैं ठीक है और ये सारे के सारे जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं दे आर सुपीरियर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी काफी अच्छे कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इनको माना जाता है और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है तो एक अभी रिसेंट एक्सप्लोरेशन जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया उसके हिसाब से वेनेडियम के रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने के चांसेस हैं और ये पहली रिपोर्ट है कि इंडिया में वेनेडियम के रिजर्व मिले हों ठीक है तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल इसमें नहीं है इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ऑल्सो कॉल्ड निक्सी पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर सेक्शन एट ऑफ दू थान दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इट इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये कोई इंटरनेट सर्विसज नहीं प्रोवाइड करता है नॉट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन और ट्रांसिट सर्विसेस ठीक है ये आपके घर पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं देने आएंगे दूसरा स्टेटमेंट सीधा सीधा यह कहना चाहता है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ और डी नी दो दंसर हेयर विल बी आंसर हेयर विल बी ऑप्शन सी बोथ बोथ आर करेक्ट राइट तो देखते हैं निक्सी के बारे में तो सबसे पहले न्यूज में क्यों था क्योंकि निक्सी ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि दे विल बी ऑफरिंग अ फ्री इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम ठीक है अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया की जो 22 टू ऑफिशल लैंग्वेजेज हैं उसमें डोमेन नेम प्रेफर करता है तो उनको एक फ्री इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम दिया जाएगा एंड साथ ही uh, साथ उस एप्लीकेंट को एक फ्री ईमेल भी जो है लोकल लैंग्वेज में दी जाएगी तो न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है सवाल पूछा जा सकता है तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सेक्शन एट ऑफ द कंपनीज़ एक्ट के अंडर ठीक है और निक्सी जो है इसको बेसिकली सेटअप क्यों किया गया था क्योंकि पहले क्या होता था जितने भी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स थे उनको अपनी जो भी सारा ट्रैफिक होता था वो अब्रॉड से रीरूट करना पड़ता था यूनाइटेड स्टेट्स या और डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू रीरूट करना पड़ता था जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विस भी डाउन होती थी ठीक है बैंडविड चार्जेस भी जो है वो बढ़ जाते थे अब निक्सी के आने से क्या हुआ जो आई हैं जो इंडियन आई हैं उन्हीं के थ्रू जो है सारी री रूटिंग की जा सकती है डोमेस्टिक ट्रैफिक जो है वो कंट्री से ही रीरूट करके जो है यूजर्स तक सेंड किया जा सकता है जिसकी वजह से सर्विस क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और बैंडविथ चार्जेस भी यूजर के लिए कम हो जाते हैं ठीक है और निक्सी जो है इट इज़ मैनेज एंड ऑपरेटेड ऑन न्यूट्रल बेसिस इन प्रैक्टिस विद इन लाइन विद द बेस्ट प्रैक्टिसज फॉर सच इनिशिएटिव ग्लोबली ठीक है तो किसी भी ए, uh, एक इंडिविजुअल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पर बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं ये न्यूट्रल बेसिस के ऊपर एक्ट करता है ठीक है एनी आई एस पी कोई भी इंटरने, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में वो निक्सी को ज्वाइन कर सकता है right. और राइट और निक्सी खुद से कोई इंटरनेट सर्विस सर्विसेज आपको नहीं देता कोई आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं देता ठीक है जो आपका एक स्टेटमेंट था जो सेकेंड स्टेटमेंट था इसी वजह से करेक्ट था और right. चलिए और राइट नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर एंड रिलीजेस फूड प्राइस इंडेक्स ये क्वेश्चन शायद पहले भी किया लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाएगा देख लेना आएगा ये आपके पेपर में तो ऑप्शन है ये चार कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है तुक्का लगा देते हैं कई बार इसमें बच्चे ठीक है और सही भी हो जाता है वो तुक्का ठीक है क्योंकि तुक्का ज्यादातर एफ का लगाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वो ही बिल्कुल सही जवाब इसका है ठीक है तो फूड प्राइस इंडेक्स जो है मंथली चेंज जो होते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस में कुछ फूड कमोडिटीज़ में एक बास्केट बनाया हुआ है फूड कमोडिटीज़ का तो उन फूड कमोडिटीज में अगर कोई भी चेंज होता है मंथली लेवल पे तो उसको इसमें जो है शो किया जाता है प्रिपेयर कौन करता है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो जो बास्केट है उसमें पांच कमोडिटी ग्रुप आते हैं ठीक है और वो पांच कमोडिटी ग्रुप आपके ये रहे सीरियल्स वेजिटेबल ऑयल डेयरी प्राइस मीट प्राइस एंड शुगर प्राइस तो ये पांच एरियाज हैं जो इस फूड प्राइस इंडेक्स में जो है इंक्लूड किए जाते हैं ओके चलिए और राइट तो यहां पर हमारे दस क्वेश्चन जो है दोस्तों इस वीडियो के खत्म हो गए हैं ठीक है uh, डिले बहुत ज्यादा हो गया है वीडियोस में कोई बात नहीं फिर भी कोशिश करेंगे कि जितना हम प्रोवाइड करा सकें करा पाए थोड़ा अभी uh, जो फिज़िकल हेल्थ है वो परफेक्शन की तरफ नहीं है जैसे आपने देखा होगा बीच बीच में मेरे को सांस जो है वो चढ़ जाता है ठीक है वन ऑफ द साइड इफेक्ट है ये कोविड का लेकिन फिर भी इससे फाइट करेंगे और वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं तब तक के लिए ऑल द बेस्ट हैं बाय बाय